तुमने घर की दीवारों में बंदूकों के लिए छेद कर लिए हैं या नहीं? आज मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद मौलवी साहब ने हर हिंदू और मुसलमान से निहायत एहतियात के साथ काम करने को कहा है। भाईचारे की रोटी तो आज हमारे यहाँ आ गई है, अब तो बारूद में बत्ती भरने की देर है। नाना साहब ने अपनी तीर्थ यात्रा में यही कहा था, देखना शहर में एक अंग्रेज ना रह जाए। प्लासी की लड़ाई का बदला लेने का वक्त आ गया है। 23 जून 1757 को ही तो प्लासी की लड़ाई हुई थी। बस 23 जून 1857 तक भारत से अंग्रेज राज को उठ जाना चाहिए। ये कुछ बयान है, एक संवाद है जिसका सिरा जुड़ता है 1857 की क्रांति से। इन संवादों से निकल कर आ रही सुखबुगाहट ने हिंदुस्तान में कंपनी राज को खत्म कर दिया था। आज हम आपको अवध के मुक्ति संग्राम की अनकही कहानियां सुनाएंगे, जिसमें अवध के लोग सैनिकों के शुरू किए इस विद्रोह में शामिल हुए, आज़ादी के लिए लड़े। दावा किया जाता है कि 10 दिनों के भीतर अवध में अंग्रेजी प्रशासन एक सपने की तरह गायब हो गया, अपने पीछे अपनी कोई निशानी छोड़े बिना। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब और उससे जुड़े किस्से। आज की किताब है आज से 100 वर्ष पहले जन्मे पत्रकार अखिलेश मिश्र की लिखी अवध का मुक्ति संग्राम। अखिलेश पेशे से पत्रकार थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। राजकमल प्रकाशन से छपी ये किताब 1857 की क्रांति में अवध और विशेषकर लखनऊ के योगदान को हमारे सामने लाती है। इसमें अलग अलग वक्त पर अखिलेश के लेखों का संकलन है, जिसे एडिट किया है वंदना मिश्र ने। शुरू करते हैं लखनऊ के हुसैनाबाद युद्ध से। हुसैनाबाद में ही मोर्चा लगा, इस लड़ाई के बाद ही हुसैनाबाद खंडहर हो गया, वरना उस समय वहाँ लखनऊ की शानदार बस्ती थी। घंटे भर तक गोलियाँ चली, भारतीयों ने इमामबाड़े में शरण ली तो अंग्रेजों ने फाटक तोड़कर अंदर कत्लेआम किया। पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अंग्रेजों के पाश्विक अत्याचारों का चक्र पूरे लखनऊ पर चला। मणियाओं, हुसैनाबाद, ऐशबाग या मूसाबाग की बात करते हुए तो जो भी पाया गया उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। हजारों गिरफ्तार भारतीय वहीं टीले के पास वाले चौराहे पर फांसी लटकाए गए। पहले 3 दिन तक मणियाओं के कैदी लटकाए गए थे। विद्रोह का सारा काम कोडवर्ड्स में चला करता था और उसमें साथ देने के लिए जो दो सबसे प्रसिद्ध शब्द थे, कमल और चपाती। होता क्या था कि एक गांव से गांव का मुखिया एक कमल का फूल और कुछ चपातियां लेकर दूसरे गांव के मुखिया को पहुंचाता था। अब मुखिया उन चपातियों के छोटे छोटे टुकड़े करके सबको खाने के लिए बांट देता था और फिर अपने गांव से नया फूल और उतनी ही चपातियां बनवाकर दूसरे गांव को देने जाता था। यही सिलसिला सेना में भी था। अब एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज ने कहीं एक चपाती पकड़ ली। शक हुआ कि इसमें कोई संदेश लिखा है। उसने चपाती को उलट पलट कर देखा, तोड़ कर देखा, यहाँ तक कि चूर करके भी देखा, लेकिन चपाती का अर्थ वो क्या समझता, तो सब बच गए। गदर के दिनों का ही एक ब्यौरा हमें जनरल नील के एक हुक्म से मिलता है, जिसमें उन्होंने ब्रितानी सैनिकों से गांव के विद्रोहियों को निकलते या घुसते देखते ही भस्म कर देने को कहा था। हर व्यक्ति के लिए फांसी का तख्ता लगाने के झंझट से बचने के लिए चार चार पाँच पाँच लोगों को एक साथ एक ही पेड़ में की डाल पर लटका दिया जाता था और युद्ध के मैदान में गिरे जख्मियों को खींचकर दूर किसी रेतीले मैदान में धूप में डाल दिया जाता था। वहीं जनरल आर्थर वेलेजली जख्मी सिपाहियों को अस्पताल नहीं बल्कि तोप के मुंह पर भेजते थे और गोलंदाज से कहते, लगा दो पलीता। कंपनी राज के विरोध में हुए चिनहट के युद्ध का भी बहुत महत्व है। जून के आखिरी दिन चिनहट का युद्ध हुआ, जहाँ लॉरेंस को अंग्रेजी फौज बुरी तरह परास्त हुई। इस्माइलगंज और कुकरैल के पुल मुख्य मोर्चे पर थे। सूबेदार घमंडी सिंह और शहाबुद्दीन अंग्रेजों की तोपों के मुकाबले सिर्फ तलवार के सहारे भिड़ गए थे। अंग्रेजी सेना मरते खपते दूसरी ओर भागी। उस तरफ लोहे का पुल था जिसे भारतीय पार नहीं कर सके। पुल पर अंग्रेजी तोप गरज रही थी। नावों का पुल बनाकर नदी पार करने में भारतीय सेना को 2 दिन लगे। खुद अंग्रेजी इतिहासकारों का मानना है कि इतना शानदार स्वागत लखनऊ ने कभी किसी का नहीं किया था। अंग्रेज परस्त नवाब मोइनुद्दौला और नवाब मुनव्वरुद्दौला के घर भारतीयों ने घेर लिए। ठीक एक दिन बाद 1 जुलाई को ही अंग्रेजों के मुकाम पर भारतीय फौजों का कब्जा हो गया। 1857 गदर में बेगम हजरत महल से जुड़ा एक बहुत संवेदनशील किस्सा मिलता है कि कुछ लोग तो थे जिन्होंने नहीं तोड़े थे देशभक्ति के ज्वार में मानवीयता के मूल्य। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। दरअसल जब कॉलिन की
सेनाओं ने लखनऊ में घुसते ही निर्दोष नागरिकों की हत्याएं शुरू कर दी तो क्रांतिकारियों ने भी गुस्से में बेगम से अंग्रेज कैदियों की मांग की जो उनके पास बंद थे। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज महिला बंदियों की भी मांग की ताकि उन्हें भी सजा दी जा सके, लेकिन बेगम ने इस मांग को सरासर गलत माना। उन्होंने सभी अंग्रेज महिलाओं को अपने जनान खाने में लाकर उनकी सुरक्षा की और ये बात खुद एक अंग्रेज चार्ल्स बाल ने लिखी है। अब बात गुमनामी में खोई रही 1857 की एक बहादुर नायिका ऊदा देवी पासी। महिला बटालियन की नेता ऊदा देवी ने लखनऊ के सिकंदर बाग में जो वीरता दिखाई उससे अंग्रेज चकित रह गए थे। चुस्त लाल रंग की जैकेट और गुलाबी रंग की रेशमी पतलून पहने ऊदा देवी ने एक घने पेड़ की डाल पर अपना मोर्चा बनाया था। जो भी अंग्रेज उस पेड़ के नीचे से या पास से गुजरता वो ऊदा की गोली का निशाना बनकर वहीं ढेर हो जाता। इस तरह बहुत से अंग्रेजों को ऊदा देवी ने मौत के घाट उतार दिया था। जब कैप्टन डासन का ध्यान इस तरफ गया कि पेड़ के नीचे जाते ही अंग्रेज गोली का शिकार हो जाते हैं तो उसने पेड़ पर जिधर से गोली आती थी उसी तरफ गोली चलाने का हुक्म वेलेस को दिया। वेलेस की नामुराद गोली निशाने पर लगी। गोली लगते ही पेड़ से एक धड़ गिर पड़ा। पास पहुंचने पर मालूम हुआ कि ये तो एक स्त्री है जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए सैनिक भेष पहना था। ऊदा देवी के पास दो भारी पिस्तौलें थीं। जब वेलेस को ये पता चला कि उसने एक स्त्री की हत्या कर दी है वेलेस भी फूट फूट कर रो पड़ा था। 16 नवंबर 1857 को सिकंदरबाग के समर में शहीद हुई थी ऊदा देवी। 57 की क्रांति का एक सिरा बाबू कुंवर सिंह से भी जुड़ता है। कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी डगलस को हराने के बाद जब वो जगदीशपुर लौट रहे थे तब अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ पर लगी। कुंवर सिंह ने तुरंत बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ काट कर गंगा जी को अर्पित कर दिया। इसके बावजूद जब अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर हमला किया तो कुंवर सिंह ने युद्ध जीता। उन्होंने खुद यूनियन जैक उतारा लेकिन हाथ का घाव नहीं भर पाया था और 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह अवध ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन का जैसा विरोध किया और इस प्रतिरोध को जितने लंबे वक्त तक चलाया उसकी मिसाल हमेशा कायम रहेगी। किताबी बातें कि आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए किताबी बातें लिखते हैं हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।